तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे क्रिएटर्स के बारे में जो वीडियो तो बनाते हैं ना, देखिए वीडियो को अच्छे से रिवीजन करेंगे ना, टॉपिक देखेंगे क्या है कैसे है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो तो अच्छे से देखिए रिवीजन कर लेना है कि क्या आप बोल रहे हो, क्या कह रहे हो सही है या गलत, क्योंकि आप एक गुरु के तौर पर काम कर रहे हैं यूट्यूब पर। आपके ऑडियंस अगर जो आप चीज सिखाएंगे अपने ऑडियंस को, चाहे अच्छा होंगे होगा चाहे बुरा होगा, वही चीज सीखेंगे। तो यहां मैं बात करने वाला टेक ऐश्वर्या मैम के बारे में, जैसे कि एक क्लिप उनका है, एक वीडियो है मैंने देखा था, उसमें कुछ गलत चीजें बताई हैं, तो मैं वो चीज बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए। तो देखिए यहाँ पर मैडम बोल रहे हैं गुरु गोविंद दो खड़े, दो नहीं होता मैडम जी, दो होता है। आगे गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए। काकू लागू पाए नहीं होता है, काके लागू पाए होता है। कम से कम आपने ये वीडियो बनाया था, ये दोहा, ये चार साल बच्चे, मतलब चार कक्षा चार में पांच में सात में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी ये दोहा याद है। आपको गूगल से कम सर्च कर लेना चाहिए था, अच्छे से रिविजन कर लेना चाहिए तब आपको बनाना चाहिए था। आगे मैं सुनाता हूँ, अभी इसमें बहुत सारा मिस्टेक है। बलिहारी गुरु आपके गोविंद। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपके नहीं होता है, बलिहारी आपने गोविंद दियो बताया। तो इस दोहे को मैं अच्छे से पहले आपके सामने पेश कर देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। तो दोस्तों कबीर दास जी का कहने का मतलब है इस दोहे के माध्यम से, जैसे मान लिया जाए गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं, तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे, किसको पहले प्रणाम करेंगे। तो देखिए कबीर दास जी का कहने का मतलब है कि जो गुरु होते हैं, गुरु ही हमें सिखाते हैं कि गोविंद कौन है। तो यहाँ पर देखिए गोविंद से बड़ा गुरु है, तो उन्हीं को पहले प्रणाम करना चाहिए, इस दोहे का मतलब होता है। तो मैडम जी कम से कम आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था, तब आपको ये वीडियो बनाना चाहिए था, तब वीडियो शूट करना चाहिए था, तब पब्लिक करना चाहिए था। बस आपने जल्दी जल्दी में कुछ भी उठाकर डाल दिया। मैंने ऐसे ढेर सारे क्रिएटर्स देखे जो यूट्यूब पर ज्ञान तो दे रहे लेकिन उनको खुद को ज्ञान ही नहीं है। कम से कम आप जो वीडियो शूट कर रहे हो अपने ऑडियंस को जो दिखाना चाहते हो वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, रिविजन कर लेना चाहिए था, तब लोगों के सामने पेश करना चाहिए था। अभी एक वीडियो और मैंने देखा था टेक चैंपियन सपोर्ट सर का, तो वो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने वाला एक वीडियो जो उसका पर्दाफाश किए हैं वो था, सब्सक्राइबर रिफ्रेश करे जा रहा है, सब्सक्राइबर बढ़े जा रहा है, तो जैसे लग रहा है कोई सब्सक्राइबर्स पेड़ पर पड़े हैं निकल आएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। और एक वीडियो में आपको और दिखा देता हूँ, वो चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान है, वो उस पे लमसम 8 लाख के आसपास, 8.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये जो गुरु हैं तो क्या बता रहे हैं, मैं पहले आपको एक छोटा सा और क्लिप दिखा देता हूँ। मैं एक वेबसाइट लेकर आया हूँ यहाँ दोस्तों, इस वेबसाइट का यूज करके आप अपने सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हो, अपने वॉच टाइम को आप इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ तक कि दोस्तों आप इसी वेबसाइट का यूज करके आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। यहाँ दोस्तों ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल है जो इस वेबसाइट का यूज करके अपने चैनल। दोस्तों यहाँ पर सर जी बता रहे हैं एक वेबसाइट के बारे में, वहाँ पर आप अपने चैनल का लिंक पेस्ट कर देंगे और आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी आपका चैनल मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हो जाएगा, यानी वेबसाइट के द्वारा प्रमोट कर दिया जाएगा आपका जो वीडियो है, आपके वीडियोस पर एक दो वीडियोस पर व्यूज आ जाएगा और आप चैनल प्रमोशन कर सकते हैं, मतलब आप चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मनोज दे ने और टेक्निकल योगी जी ने और टेक चैंपियन सपोर्ट ने कभी भी वेबसाइट के बारे में ऐसा नहीं बताया, बल्कि उन्होंने हमेशा रोका है कि किसी वेबसाइट के थ्रू आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं साफ साफ बता देता हूँ, आप यूट्यूब पर आए हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा लगाने के लिए नहीं। तो सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए, ये जो वीडियो है ये फेक है, मेरे ख्याल से ये पेड प्रमोशन है, वहां पर लिखा हुआ था पेड प्रमोशन, कुछ पैसे के लिए ये लोग गुरु का काम कर रहे हैं और अपने ऑडियंस को मतलब कुछ पैसे, चंद पैसों के लिए गलत जानकारी दे रहे हैं। तो पता नहीं कैसे इन लोगों की सोच है, कैसे इन लोगों की मानसिकता है। तो दोस्तों आप YouTube पर अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो सिर्फ आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी मेहनत करना होगा। आप किसी वेबसाइट के बारे में, किसी भी के बारे में आपको नहीं देखना है, आप सिर्फ अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करना है, तभी आप अपने चैनल को मोनिटाइज करवा सकते हैं और आप एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं हेट नहीं फैलाना चाहता था, जो सच्चाई था लोगों को, गुरुओं को बताना चाहता था कि आप अपना काम थोड़ा अच्छे से करिए, आप स्पॉन्सरशिप करिए, आपको कोई रोका नहीं है, लेकिन आप स्पॉन्सरशिप करिए, ऐप के बारे में बताइए, किसी वेबसाइट के बारे में बताकर आप शायद बहुत गलत कर रहे हैं। जो क्रिएटर्स हैं, मान लिया जाए वो वेबसाइट के थ्रू अपना चैनल प्रमोट करवा लेते हैं, अपने चैनल पर मोनिटाइज करवा लेते हैं, तो क्या उनका चैनल उसी तरह उसी रफ्तार से ग्रो करेगा? नहीं। आप लोग गुरु होकर गलत गलत चीजें बता रहे हैं, तो ऑडियंस को जो चीज आपको बताना है साफ साफ बताइए और सही चीज बताइए, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। क्योंकि अगर आप लोग सही इन्फॉर्मेशन देंगे या गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो जो ऑडियंस है वही चीज समझेंगे। तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप लोग अच्छे से अपना काम करिए और वीडियो तो बनाइए ही, लोगों को सही संदेश दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज का जो वीडियो था, मैंने टॉपिक नोटिस किया कि इसमें मुझे जो गलत लगा, मैं किसी को हेट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, और जो मुझे सही लगा वही चीज अपने वीडियो में रखा हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।